अगली खबर की ओर तो वहीं लखनऊ में कोविड न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात बैठक बुलाई है। डीएम ने कहा है कि विदेशों से आने वाले समस्त यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य होगा। समस्त डोमेस्टिक फ्लाइट्स के पैसेंजर्स थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य, लक्षण युक्त यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी अनिवार्य करें और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग के लिए 4 काउंटर बनाए जाएं। जिलाधिकारी की समस्त यात्रियों से अपील है कि कोरोना से बचाव के उपायों में सहयोग दें, साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट कराने में सहयोग करें। साथ ही आप अपना नाम, सही पता और मोबाइल नंबर एयरपोर्ट पर उपलब्ध करवाएं। कहावत है कि एक नया वेरिएंट की बात जो ग्लोबली आई है, जिसमें विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज में भी और साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी और जगहों पर ये पाया गया है। इस वेरिएंट को लेकर के हम लोग यहाँ भी एक मेडिकल के रूप में हम लोगों ने अलर्ट रखा हुआ है और इसी चीज़ को लेते हुए जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या ऐसे ट्रैवलर जो इंटरनेशनली पहले किसी दूसरे डोमेस्टिक स्टेशन पे आते हैं फिर लखनऊ आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक की गई और इसके एक प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया है। ज़रा मैं आपको आंकड़े बता दूं तो लखनऊ में 2 टर्मिनल से, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल, 9 हमारी एवरेज प्रतिदिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं लगभग 1800 से 2000 पैसे। ये निःशुल्क हम लोग के द्वारा हर एक जो आवक रहेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट से इनकी आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से करेंगे, ये निःशुल्क रहेगा। और जो हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं इसमें हमारे 10 ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिसमें जैसे दिल्ली, मुंबई, कोचीन और इस प्रकार के जो हमारे डेस्टिनेशन से बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, 10 डेस्टिनेशन को चिन्हित किया गया है जहाँ पर हम रैंडम प्रतिदिन 10% लोगों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराई जाएगी और सभी की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।